one of the most sorted directors, both of them, and I'm sure every girl. How does it really feel to like take this whole event independently? Ekdam apde am independently kevi rite? Kevi rite? अब मैं तो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारे आर्टिस्ट है जसू भाई को बुला लेता हूँ, वो दो शब्द आपको बुलाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। Please Jashvant bhai, please. But hats off, really hats off to take a project on independently. It really takes a lot of guts to do that. Namaskar. Namaskar sir. आइए तो captain of the ship जशवंत गंगा। बेजुबान इश्क। Sorry. बेजुबान इश्क। बेजुबान इश्क, yes. मेरा सपना था और ये सपना साकार करने में सीजे गडारा दिनेश लखिया ने बहुत हेल्प की है और उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। गुजराती में काफ़ी फिल्में आई है, मेरी सारी फिल्में सिल्वर जुबली रही। गुजरात सरकार ने आज तक 58 अवार्ड मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मिला है। तो बस ये बहुत इनोसेंट डिसेंट लव स्टोरी है, मधुर म्यूज़िक है और मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट और गाने सबको बहुत पसंद आएंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा मेरे हीरो जो है निशांत, मेरी हीरोइन है स्नेहा, प्लीज आइए। तालियां हो जाए दोस्तों, बिल्कुल। हमारी प्रिटी प्रिटी स्नेहा उल्लाल एंड द हैंडसम हीरो निशांत। यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीबॉडी हु इज इन दिस बैंक्वेट हॉल राइट नाउ। आप लोग आए यहाँ पे हमारे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर डे सो स्पेशल एंड इट्स एन ऑसम फीलिंग टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। थैंक यू सो मच। खास करके अब्बास मस्तान जी मेरे लिए, मेरे काम से जानते थे और वो जो मेरे लिए टाइम निकल के आए, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत मैं आभारी हूँ। टाइम इज मनी और किसी को अपना समय देना ही बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। सो रियली रियली वेरी थैंकफुल टू यू बोथ ऑफ यू। एंड सर एक सवाल है, व्हाई बेजुबान इश्क? बेजुबान क्यों है इश्क? आज तक लोगों ने इश्क को इश्क दरिया, इश्क जादे, इश्क फलाना ढिकना जोड़ा, लेकिन बेजुबान इश्क आज तक वो टाइटल मेरे लिए ही था। अच्छा। बेजुबान इश्क मेरा मानना है कहीं ना कहीं हर लोगों के दिल में ये टाइटल जस्टिफाई हो रहा है। अच्छा। कि बूढ़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, तो बेजुबान इश्क मतलब कोई किसी से कहीं ना कहीं प्यार होता है लेकिन पूरी लाइफ तक बोल नहीं पाता है। पूरी लाइफ तक बोल नहीं पाता है। आपने किसी को बोला पूरी लाइफ तक कि नहीं? बताओ। बेजुबान इश्क में वो फील आपको देखने को मिलेगा। Okay. और बहुत डिसेंट है और मेरे सब्जेक्ट में बेजुबान इश्क परफेक्ट है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। एंड आई एम श्योर हमारी बहुत सारी गुड विशेस है पूरी टीम के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, हर उस टेक्नीशियन के लिए जो फिल्म के साथ इन्वॉल्व था। बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज वी आर एक्टर्स, हम स्क्रीन पे नजर आते हैं। देयर इज एवरी स्मॉल पर्सन जो कैमरा के पीछे होते हैं, इट्स अ टीम वर्क और उन सब के बिना ये हर फिल्म अधूरी होती है। सो आई रियली वांट यू ऑल टू गिव इट अप फॉर एवरी टेक्नीशियन फ्रॉम स्पॉट टू द प्रोड्यूसर फॉर दिस फिल्म। तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू यार। मारवाड़ी मैं हूँ कंजूस, मुझे होना चाहिए, आपको नहीं। आप लोग गुजराती हो, कम ऑन। ओके। बेजुबान इश्क में एक खास चीज़ है कि उनका म्यूजिक प्लस है, म्यूजिक टेरिफिट है और म्यूजिक में रुपेश वर्मा और बबली हक दो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत मेहनत किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रुपेश जी एंड बबली जी प्लीज स्टेज पे आ जाएं। आई कांट सी यू बोथ। रुपेश वर्मा, बबली हक आ जाए। यस देयर दे आर प्लीज। और खास करके मैं गुजरात से आया हूँ तो लोगों ने मुझे डरा दिया था पहले तो कि बॉलीवुड में आप जा रहे हैं तो वहाँ के आर्टिस्ट लोग बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। दर्शन जरीवाला, સચિન ખેડેકર, ફરીદાબેન, સ્મિતા જયકર, સ્નેહાજી, मुग्धाजी, निशांत तो बहुत ही स्वीट है ना। देखिए स्वीटनेस तो सब टपक रही है। लेकिन सब लोगों ने मेरे साथ मतलब इतना प्यार दिया और मेरा 52 डे का शेड्यूल था तो 47 डे में मैंने कंप्लीट किया। अरे वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मेरी पूरी टीम वर्क, हाँ, मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर से लेके मेरे ब्रदर राजू भाई गांगानी से लेके स्वाति भट्ट से लेके सब लोगों ने, मेरे पूरी टीम ने इतनी मेहनत की कि बस टाइम टू टाइम मैं बेजुबान इश्क को यहाँ तक ले आया हूँ। आपको उसका रीज़न पता है? आप गुजराती हो, आप गुजरात से इधर आपने फिल्म बनाई और आपको परेशानी नहीं हुई। इसका रीज़न कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ, कारण के गुजराती मिठू खाए नहीं मिठू बोले, खबर पड़ी। ओके, ओके सर, मैं आप दोनों से गुजारिश करूँगी। यस। और इसमें दिल परिंदा गाना जो है वो तुलसी जाना बहुत बड़ा नाम है, वो सिंगर भी आए हुए हैं। तोशी जी, ऑफ कोर्स, उन्हें इंट्रोडक्शन की कहाँ ज़रूरत है। अनीता भट्ट है और मतलब बहुत सारे सिंगर हैं। वी हैव तोशी हियर। तोशी जी आइए। ओह तोशी जी, ओके आइए अनिता जी। और परिणीता जी भी है। एंड मैं जब व्हेन आई एंटर्ड द रूम द फर्स्ट पर्सन आई मेट फ्रॉम एक्टर फर्टिनिटी इज दर्शन जरीवाला एंड आई वुड रियली वांट हिम ऑन स्टेज हियर। दर्शन ऐसे ही अभी मतलब क्या। यस, थैंक यू गाइस, पुट योर हैंड्स टुगेदर। हाँ हाँ हाँ, बस मतलब इतना ऐसे ऐसे करोगे आप। ओके ओके, वी शुड ओके। नाउ सर, आई रियली वांट टू कॉल अब्बास सर, मस्तान सर ऑन स्टेज एंड डू द अनवेलिंग ऑफ दिस पोस्टर, दिस फिल्म, द मोस्ट वर्कड अपॉन एंड वेटेड अपॉन फिल्म। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अब्बास मस्तान सर। हुसैन भाई आप भी प्लीज। બધા એકબીજાને માથે નહીં પડતા, બસ આટલું ધ્યાન રાખજો। Can we have some rocking music in the background? Lovable poster, and congratulations to the whole team. And yes, they say love should be simple, and love stories told in the most simplest form are the best told stories ever. So now Nishant, अब आपकी बारी, आ जाइए आगे। Okay, so that's you, and that's also you. So you get to romance both the ladies. So which one is your favorite? Watch the film and you will understand which is my favorite. No. Yes. Anyways, I would like to say one thing. गंगानी जी का जो इस फिल्म में विजन है, ये एक आजकल के नेस्कैफे लव वाला विजन नहीं है जो एक कॉफ़ी पे स्टार्ट होता है बरिस्ता में और सीसीडी में ख़त्म हो जाता है. बेजुबान इश्क इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रू लव बिटवीन टू सोल्स वेयर पीपल व्हेन दे फॉल इन लव they decide to live for each other. And I am really lucky to have such a brilliant director. He's a jewel, Heera. And I'm lucky to have this opportunity to do this film under him. Thank you so much. Thank you. You have that chocolate boy look and we really wish you all the best. Sir, what do you think? हाँ बोलवो पड़े ना थोड़ू आम जरा कॉन्ग्रेचुलेशंस जशु भाई फॉर बेजुबान इश्क. आपने जो अभी कहा कि फर्स्ट टाइम बेजुबान इश्क जो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा है शायद आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो. थैंक यू सर. टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टेक्नीशियंस ऑल द एक्टर्स दर्शन जी निशांत स्नेहा सबको बहुत बहुत मुबारक हो एंड ऑल द बेस्ट. And your teamwork. चलो all the best. सर अभी प्रॉब्लम ये है कि इतना सब देख के ना मन नहीं भरा. ये ऐसा खाली ये तो ऐसा हुआ कि शेर को खून चटा दे और फिर तो मतलब भूखा रहो. Not fair. देख लेते हैं. Okay, let's watch the trailer of बेजुबान इश्क. Guys, a round of applause for the lovely team here. Yes, you will. Okay. Photo session. कुमार साहब, मेरा DOP कुमार साहब आ रहे हैं. तालियां हो जाएगी बार. And the next event for the evening is the music release. So I would really request all of you all to get back in there. Sir Ji, please. Yes, back in the cage ताकि ये सारे लोग आपकी फोटो खींच सके और मुझे चिल्लाए नहीं. अरे प्रशांत भाई सॉन्ग राइटर, प्रशांत भाई, संजय भाई डायलॉग राइटर, आइए प्लीज. करने आए हैं जशू भाई जी को और उनका प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा बेजुबान इश्क। और हमारे बहुत बहुत विशेष ऑल द बेस्ट तो जशू भाई गंगलानी और उनके एंटायर टीम। सर म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है? अभी फिलहाल तो म्यूजिक सुना, जो गाने जो प्रोमो टीजर में आए बज रहे साउंड वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो जितने गाने प्ले होंगे उतने गाने ग्रो होंगे और चलेंगे। सर बात करें रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? अभी हम लोग आए इनके वहाँ बेजुबा इश्क, तो बेजुबा बोला है तो बेजुबा रहने का ऐसा। बेजुबा इश्क की बात करो तो ज़्यादा अच्छा है और हम लोग उनको विश करने आए हैं और उनका पूरी टीम करेंगे तब उस वक्त सब इंटरव्यू देंगे। क्या कहना चाहिए बेजुबान इसके बारे में, म्यूजिक के बारे में बात करें? सबसे पहली बात तो मैं जसवंत जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने और सबने बहुत अच्छा काम किया है। और म्यूज़िक सबसे पहले तो मैं जसवंत जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और सबसे पहली बात तो खुद बहुत इतने अच्छे म्यूज़िकल हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर रुपेश ने इतना अच्छा काम किया है और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने इसमें दो गाने हैं मेरे, एक ही वर्जन है, एक ड्यूट सॉन्ग है, उसी का सोलो वर्जन भी है। तो मैं रुपेश के बारे में जितना बोलूँगा, जिसने कंपोज़ किया है, बहुत पुराने मित्र हैं हम लोग, स्ट्रगल के दिनों के हैं। ये गाना पहली फिल्म की उसने और मुझे इस लायक समझा कि भाई ये गाना बनाया। और जब मैं गाना गाया हूँ मतलब रूह खुश हो गई कि उसने मुझे फ्रीडम दिया पूरा गाने का, जो अभी तक नहीं मिला। उस फ्रीडम के अंदर रह करके मैं गाने को अपने तरफ से खूबसूरत बनाने की बहुत कोशिश किया। सर क्या लाइनें हैं गाने की, गुनगुनाएंगे? ऐसा क्यों होता है दिल, ये क्यों रोता है, जो नहीं था तेरा फिर क्यों उसकी आस है रे, दिल परिंदा ढूंढे रे आशियाना, ये न जाने कहाँ है इसको जाना। तो कहीं ना कहीं गाने की जो लाइन है इससे पूरा मेल खाती है बेजुबान इश्क। बिल्कुल, बेजुबान इश्क का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्यार तो किए पर कह ना पाए, और बेजुबान इश्क बहुत गहराई में उतरा हुआ एक इंसान होता है जो खुद को पढ़ा होता है। और पढ़ाई जो इंटरनल होती है, मैं पोइट्री को देखता हूँ, मेरे को जो पोइट्री है उसमें किताब दिखती है, उस किताब में हिस्ट्री देखता हूँ और वो हिस्ट्री बहुत बड़ी है मेरे लिए। गाना नहीं है, वो किताब है। मैं अपनी किताब को कहना चाहता हूँ अपने अंदाज में। मुझे बहुत मज़ा आया, रुपेश ने बहुत अच्छा गाना मुझे दिया और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रुपेश को। थैंक यू। हाय, मैं हूँ तोची रैना और एक अवार्ड आ रहा है नर्स ऑफ द ईयर, आप देखना ना भूलें। सर बात करें बेजुबान इश्क़, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बेजुबान इश्क़ को लेके मैं काफ़ी मुझे आनंद हो रहा है। आज जब ये म्यूज़िक लॉन्चिंग हो रहा है तो बेजुबान इश्क़ का म्यूज़िक जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। और उनकी कहानी जो है बेजुबान इश्क़ बहुत डिफरेंट टेरिफिट है, एक लव स्टोरी है और आजकल की सारी फिल्मों से इसमें आपको अलग सा महसूस होगा और बहुत पब्लिक को पसंद भी आएगा। कास्ट की बात करें, आपने इसको डायरेक्ट किया है, कास्ट की बात करें कौन है? कास्टिंग में मुग्धा गॉडसे है, स्नेहा उल्लाल है, निशांत मनसानी है जो काफ़ी टैलेंटेड लगता है, और मदर फादर में दर्शन जरीवाला है, सचिन खेड़ेकर है, दादी माँ का कैरेक्टर में फरीदा जलाल है, स्मिता जयकर है, काफ़ी नॉन आर्टिस्ट है। एक लाइन में स्टोरी की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? बस प्यार, मैं मानता हूँ कि प्यार एक पवित्रता की हाइट पे एक ईश्वर है, प्यार परमेश्वर है, प्यार महसूस करने की चीज़ है, प्यार पाया नहीं जाता है, जो हमें मिलता है वो प्यार नहीं है। हम एक दूसरे की आदत पड़ गई है, इसे हम प्यार बोलते हैं। प्यार सिर्फ एहसास करने की चीज़ है जो मेरी बेजुबान इश्क़ में पब्लिक को महसूस हो। आजकल इस तरह की बहुत सारी फिल्में, इस जादे के बाद रईस जादे, इस जादे, रंग दे, इसका और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। 2014-15 की अगर बात करें, हाँ बहुत काफ़ी इश्क जादे, इश्क फलाना, इश्क देखना बहुत काफ़ी आया है, लेकिन बेजुबान इश्क़ आज तक टाइटल नहीं आया है। तो बेजुबान इश्क़, ये सारी फिल्मों का जो नाम लिया आपने, उनसे मेरी मूवी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बहुत इसमें प्योरिटी है, पवित्रता है, फ्रेशनेस है। डेफिनेटली पसंद आएगी, 100% मेरा विश्वास। थैंक यू। निशांत, मेरा नाम है निशांत। निशांत जी, बात करें बेजुबान इश्क़, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मूवी है और आपके किरदार के बारे में? बेजुबान इश्क़ एक ऐसी कहानी है जो हम सब के दिल में छुपी हुई है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा एक इश्क हो, ऐसा इंसान मिले जो हमें सच्चा प्यार करे, हमारा साथ कभी ना छोड़े। ये वही कहानी है जो हम सब अपने सपनों में देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा है। जब आप गाने सुनेंगे जो आज लॉन्च हुए हैं, यू विल रियलाइज़ दैट एक एक गाना आपको ऑलमोस्ट रुलाने की हिम्मत रखता है। बात करें आपके साथ में कौन कौन है और किस तरह का किरदार है आपका? कास्ट इस फिल्म की बहुत ही अच्छी है। मेरे साथ स्नेहा है, स्नेहा उल्लाल है, मेरे साथ मुग्धा गोडसे हैं, दर्शन जरीवाला हैं, सचिन खेड़ेकर जी हैं, फरीदा जलाल है और इतनी लिस्ट लंबी है कि मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये फिल्म लाइक आई सेड आई एम वेरी लकी कि ये मेरी डेब्यू फिल्म है बॉलीवुड में, जिसमें मैं एज अ सोलो मेन लीड लॉन्च हो रहा हूँ एंड इतनी अच्छी कास्ट मिली है मुझे काम करने को साथ में दैट आई थिंक आई कुड नॉट हैव बीन लकियर। कैसी केमिस्ट्री है स्नेहा की? अगर स्नेहा और मैं हम लोग सेट पे ही क्या कहते हैं हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, जेलिंग स्टार्ट हुई। आज थैंक्स टू दिस फिल्म वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड शी इज़ अ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड वेरी टैलेंटेड टू एंड मुग्धा एट द सेम टाइम वेरी प्रोफेशनल, वेरी टैलेंटेड गर्ल शी इज़ एंड ओवरऑल माई केमिस्ट्री विद एवरीबडी ऑन द सेट हैज़ बीन वेरी वेरी स्वीट। स्टोरी की आपके आप बताएं, स्टोरी एक लाइन में क्या है? एक लाइन में स्टोरी ये है कि एक लड़का है जो कि बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स के साथ और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लड़का है। उसकी ज़िंदगी में दो लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं। वो दोनों से प्यार करता है लेकिन अलग अलग तरीके का प्यार करता है। एक समय आता है जब उसको चूज़ करना पड़ता है और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, ये वो कहानी। बेजुबान कौन है? बेजुबान की अगर बात करते हैं सच्चा सच बोलूँ तो बेजुबान तीनों हैं। तीनों का प्यार उनके दिल में ही है जो कि वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इसका नाम बेजुबान इश्क है क्योंकि ये इश्क वो है जो हमारे दिल से पैदा हुआ और दिल में ही रह गया। ऐसा तो नहीं फिल्म के आखिर तक जवानी ना निकले बेजुबान ही रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, हमें ऑडियंस को भी तो एंटरटेन करना है। तो बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छे गाने हैं जो हमने गाए हैं। तो बेजुबान कोई भी नहीं है फिल्म में, सिर्फ बेजुबान फीलिंग्स हैं हमारी। थैंक यू सर। थैंक यू। कहना चाहिए मूवी के बारे में? बेजुबान इश्क एक बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है। हर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है ज़िंदगी में और ये फिल्म उसके बारे में है एंड कोई भी कनेक्ट कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल लव स्टोरी। जो मेरे हिसाब से प्यार सिंपल, इश्क हमेशा सिंपल ही होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा बेजुबान हो गया। तो इट्स अ स्टोरी दैट एवरीबडी इज़ गोइंग टू कनेक्ट। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है इसमें और कुछ चेंजिंग की गई या आँखों को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा कैरेक्टर का नाम है रुमझुम और यस मैंने रुमझुम के लिए मैंने ब्लैक लेंसेज पहना है इस फिल्म के लिए बिकॉज मेरे डायरेक्टर के हिसाब से मैं इंडियन नहीं दिखती हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं दिखती हूँ। तो वो काफ़ी क्लियर था कि बेजुबान का जो कैरेक्टर है वो ब्लैक लेंसेज ही पहनेगी। सो दैट इज़ वन मेजर चेंज जो सब देखने वाले हैं ये रिलीज़ के बाद एंड सूट होता है। इट्स अ वेरी कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट और भी इनोसेंट हुआ है ब्लैक लेंसेज पहनने के बाद। सो यस इट्स गुड। अच्छा किरदार के लिए कितनी अलग से कुछ तैयारियां आपने? एक्चुअली रुमझुम का जो कैरेक्टर है बहुत ही सॉफ्ट है, सटल, इनोसेंट, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, जो वैसे भी मैं हूँ तो मैं ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ही सॉफ्ट बात करती हूँ, शाई टू सम एक्सटेंट। सो उस हिसाब से काफ़ी आसान था मेरे लिए। सो यस रुमझुम एंड स्नेहा क्वाइट सिमिलर व्हेन इट कम्स टू नेचर। लंबे वक्त के बाद आप फिल्म में वापस आई, कितना तैयारी रहा? बस एक ही चीज़ का प्लान था कि जो भी करो आप बी योरसेल्फ, कि जो भी आप हो आप मीडिया को वो ही दिखाओ, आपको जो दिल में है वो ही कहो, कुछ डिप्लोमेसी या कुछ प्लान ऐसा नहीं है। सो जो भी अगर मैं बात करूँगी तो वो स्नेहा है, आई विल बी माई सेल्फ और इमेज बिल्डिंग के बारे में कुछ सोचा नहीं है, जो हूँ वैसे हूँ एंड दैट इज़ वन वेरी कॉन्शियस थॉट कि जस्ट बी योर सेल्फ एंड होपफुली एवरीबडी एक्सेप्ट्स यू। लेगा स्नेहा से अगर टाइटल के बारे में पूछे क्या कहना चाहेंगे? बेजुबान इश्क। बेजुबान इश्क एक्चुअली बहुत ही सैड चीज़ होती है। मेरे हिसाब से कभी इश्क बेजुबान नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो चिल्ला के बोलो, बट यस माय डायरेक्टर फॉर सम रीज़न उनको ये फिल्म बनाना था और काफ़ी सैड, सेकेंड हाफ काफ़ी सैड है और अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो सैक्रिफाइस भी है। तो यस और मेरे हिसाब से प्यार में सैक्रिफाइस नहीं होता है, जो आई थिंक 99% लोग डिसएग्री करते हैं, पर यस जहाँ पे प्यार हो है वहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। कास्टिंग की बात करें, साथ में एक नया लड़का है जो शुरुआत कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो कैसी केमिस्ट्री है? निशांत इज़ ही इज़ अ बॉर्न एक्टर, ही इज़ अ बॉर्न हीरो। फॉर जैसे वो थे फिल्म में बहुत ही नेचुरल था। सो उनके लिए एक एडवांटेज है कि काफ़ी एक्टर्स को वो परसोना क्रिएट करना पड़ता है, पर उनके लिए इट केम वेरी नेचुरली। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड एक अच्छी फीलिंग है कि ही विल डू वेल। सलमान खान की बजरंगी भाईजान को क्या शुभकामनाएं देंगे? सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक कि सलमान खान के फिल्म्स के बारे में जितना भी कहो कम ही होगा। हम लोग सब देखने वाले हैं वो फिल्म एंड सब लोग सीटी मारने वाले वो फिल्म में एंड वी जस्ट वेटिंग कि हर टाइम ईद को एक अच्छी फिल्म रिलीज़ हो एंड यस सब लोग वेट कर रहे हैं। नो आई द रूमर सलमान he is very much in touch with me and I go to him for most of my professional opinions and who better than Salman to ask, and he is a very generous person. He is I'm sure everybody already knows this. He helps a lot of people and I respect him for the person who he is, for the actor who he is, and that's why I go to him whenever I have an issue with my career. But yes, there's no films that I'm doing with him as of now and hopefully it happens in the future. But as of now, he's just there for me, and I'm one of the fortunate and lucky ones. I am lucky too. Hi, this is Sneha Ullal, and please watch Nurse of the Year. It's coming soon.